नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जेके के न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आपको बता दें कि नोएडा विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह के समर्थन में आए बीजेपी के दिग्गज नेता कलराज मिश्रा, जिन्होंने यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दुलार से विधायक बनाया, वो भी आपके बीच में हमारे यशस्वी अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष भाई विजय नागर जी, हमारे पालक भाई जुगराज चौहान जी, भाई मनीष जी और मीडिया प्रभारी भाई विनोद जी। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार में और खुशी है कि परिवार के परिवार जब बढ़ता है तो परिवार को खुशी होती है, और उस परिवार बढ़ने का आज एक अच्छा मौका है। नोएडा शहरी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ नगर है और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो पिछले 30 वर्षों से अधिक से इस क्षेत्र के अंदर अपनी सामाजिक गतिविधियों और आरडब्ल्यू की गतिविधियों के साथ साथ ऐसे केंद्र बिंदु रहे, जब तीसरी बार अब वो अध्यक्ष बने हैं पुनर्वा के, आप समझते हैं पुनर्वा की ताकत। पुनर्वा के अध्यक्ष भाई एमपी सिंह जी और उनकी पूरी टोली आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है, यह हम सबके लिए खुशी का मौका है और सबने किया है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर लोग अपने को सुरक्षित अनुभव कर सके, जो भी दुष्ट ताकतें हैं उनका उन्मूलन हो सके, इस दृष्टि से भी हमने गंभीरता पूर्वक विचार किया है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास किस ढंग से हो सकता है, इसको भी हमने संकल्प पत्र के माध्यम से देने की कोशिश की है। और साथ ही साथ युवा जो बेरोजगारी का शिकार है उसको सुनिश्चित तौर पर रोजगार के अंदर समायोजित कैसे किया जा सकता है, इसको भी हमने प्रावधानित किया है। लड़कियों का, महिलाओं का सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों के बारे में, सभी चीजों के बारे में इस घोषणा पत्र के अंदर दिया है। विशेष हमने किसानों के बारे में, तो सर्वाधिक प्रदेश के अंदर किसान है, इसके बारे में हमने चिंता की है। नोटबंदी में अब पंकज जी से पूछेंगे, नोटबंदी भाजपा का चुनाव टूटा है या नहीं? नोटबंदी हमने बड़ा बहुत साहसिक कदम उठाए, हमारा प्रधानमंत्री साहसिक कदम उठाकर ब्रिटिश को चटा दिया कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार और घोटाला और अनेक प्रकार के कुकर्मों का स्वरूप बना हुआ था और नैतिकता की छवि बनी थी, हमने एक कदम उठाकर एक पारदर्शिता का स्वरूप स्थापित किया है। उस पारदर्शिता के अंदर जहाँ विदेशी कालाधन को लाने की पार्टी की स्थानीय इकाई ने कुछ कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, आज वो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या वो पार्टी में वापस ले लिए गए हैं? देखिए, पार्टी में कौन ज्वाइन करेगा, कौन कहां से क्या होगा, ये जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उनका ये मुद्दा है। मैं तो फिलहाल चुनाव प्रचार में निकला हूँ, कैंडिडेट हूँ, जो मिलेगा उससे समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए। बोलो, आपका सोशल मीडिया पे फेसबुक प्रचार करें। जन अधिकार मंच के प्रत्याशी कृष्णकांत सिंह केके सिंह ने किया नोएडा के कई गांवों का दौरा। केके सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी किसी जातिवाद को लेकर चुनाव मैदान में नहीं है, बल्कि वह सभी जाति धर्म के लिए चुनाव लड़ रही है, और यदि जन अधिकार मंच की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो सभी वर्ग का संपूर्ण विकास किया जाएगा। यहाँ अभी आज पहली बार नया गाँव में हमें बहुत अच्छा जनसंपर्क मिल रहा, जन समर्थन मिल रहा, और सारी जनता अपनी पार्टी के साथ है और पूर्ण बहुमत से हम होकर दिखाएंगे। आज हमारा यहाँ के बाद हल्द्वानी, पुलिसरा, जलपुरा, अलीपुर, ककराला, नगला, सोरखा, सफावार का प्रोग्राम है। जेके न्यूज के ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।